हेलो साहब, तो आज हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाते हैं। ये हमारा नैव बार है, एक सिंपल सा। और जैसे कि मैं होवर करता हूँ, वाइट कलर आता है, और इसमें भी हमारा वाइट कलर। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये देख सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन मेनू की तरह आ रहा है। तो मैंने इसमें रैंडम चीज़ें लिखी हैं, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। और ये देखिए, और आप यहाँ भी बना सकते हैं, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, सबके नीचे बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं ये बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, अंडरलाइन भी आ रहा है, और आप इस तरह से बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं बस आपको स्टाइल करना सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, देखेंगे कैसे। तो मैंने सिंपल सा बना रखा है, तो बस देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैं इसको खुला रहने देता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं, सॉफ्ट यूआई लिखा है, और मैंने ये वाला फॉन्ट यूज़ किया है गूगल फॉन्ट से। तो आप गूगल फॉन्ट में जाएंगे, ओपन सेंस मिल जाएगा आपको, तो और ये तीन सेलेक्ट कर लेना, एक वो आपकी मर्जी, आप कोई से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ बस, मैंने ये सेलेक्ट किया, एक 700 बोल्ड और एक 300 किया है यहाँ पे, और एक रेगुलर 400 किया है। ठीक है, जैसे मैं इसको कर लूँगा तो यहाँ से मैं इसको जाऊँगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ लिंक, आप लिंक भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आज मैं लिंक कर लेता हूँ, लिंक कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ चलता हूँ। ये न्यू फाइल बना रखी है मैंने, एक ड्रॉप डाउन डॉट एच टी एम एल नाम से। तो मैं एक्सप्लेनेशन मार्क टाइप करूँगा और एंटर करूँगा, तो जो एच टी एम एल का बॉयलर प्लेट होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है, वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके टाइटल से ऊपर, आप कहीं भी लगा सकते हैं हेड के अंदर, तो मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम लिखते हैं अपना नैव बार, जैसे कि आप देख सकते हो, इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। वैसे उसका काम था, ओपन सेंस लिखना था हमें, तो मैं दोबारा खोल लेता हूँ उसे। तो मैंने दोबारा खोल लिया, बस हमें फॉन्ट चाहिए, तो मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया है, और उसको बाद में यूज़ करेंगे हम। तो पहले हम अपना नैब बार बना लेते हैं। तो नैब बार बनाने के लिए हम लिखेंगे, सिर्फ मैं नैब बार बना रहा हूँ, तो नैब, और इसके अंदर लिखेंगे यूएल, और इसके अंदर लिखेंगे एल आई, एल आई के अंदर ए। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे होम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, सर्विसेस, फिर है हमारा अबाउट मी, फिर है हमारा NPACT कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं लाइव सर्वर से खोल के दिखाऊं आपको, ये देखिए हमारा आ चुका है। लेकिन हमें क्या भी चाहिए, एक लोगो भी चाहिए, तो हम लोगो बनाएंगे यहाँ पे। अब मैंने ऐसे रैंडम बना रखा है, तो नैब बार के अंदर यूएल टैग से ऊपर एक डॉट एलओजी लोगो नाम क्लास ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ लोगो। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि जब मैं नैब बार बनाऊंगा तो मुझे इस तरह चाहिए ना, साइड बाय साइड, जब हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। तो उसके लिए हमने नैब के अंदर दो बॉक्सेस ले रखे हैं, आप डिप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बस दो ले रखे हैं। एक जैसे कि एक ई डिप, ये यहाँ पे शुरू यहाँ पे ख़त्म, और एक ये यूएल, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो आ चुका है। तो मैं इसी में लिख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं है सीएसएस, फिर भी है, तो मैं इसी में लिख लेता हूँ। इंटरनल सीएसएस यूज़ कर लेता हूँ, तो इंटरनल सीएसएस यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर तो पहले जो मैं है वो मार्जिन पैडिंग सब डिलीट कर लेता हूँ, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेता हूँ कंट्रोल, क्योंकि मैं एक ही फॉन्ट चाहिए, तो हर जगह मैं फॉन्ट नहीं लिखता रहूँगा, तो मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जो मैंने फॉन्ट वहाँ से कॉपी किया था, मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, सेव। तो अब मैं जब दिखाऊँ आपको, देखिए फॉन्ट चेंज हो चुका है इसका, और मार्जिन पैडिंग सब खत्म हो गया है। तो मैं अब इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, हमें इस तरह बनाना है, कलर कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह बनाने के लिए
कहा था पहले हम बॉडी में चलते हैं, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH और बीजी कलर दूंगा मैं इसको। और बीजी कलर दूंगा मैं इसको D1 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 FT। ठीक है, सेव करता हूँ, देखते हैं कलर आया कि नहीं। यदि कलर आ चुका है तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा सही रहेगा। एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं और मैं फ़िलहाल इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, हाँ तो हमारा ये हो गया। अब हम लिखेंगे नैब, क्योंकि नैब के अंदर हमारे दो हैं, तो दो बॉक्सेस बना रखे हैं मैंने, एक डिव नाम से और एक यूएल नाम से। तो इसको मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। देखिए वो साइड में आ चुका है वन बाय वन, वो बुलेट्स हैं, उसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो ज़्यादा, साइड में आ चुका है। तो अब मैं जब इसको करूँगा जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, तो एकदम कोने में आ जाएगा इस तरफ, आप देख सकते हैं इस तरफ आ चुका है ये। और मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें हमेशा सेंटर में ही रहें एक दूसरे के। देखिए सेंटर में है, यानी जिसकी जितनी इसकी हाइट होगी ये अपने हिसाब से सेंटर में आएगा, और जिसकी जितनी इसकी हाइट होगी ये अपने हिसाब से सेंटर में आ जाएगा। अलाइन आइटम ये करता है, वर्टिकली सेंटर कर देता है। तो ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें थोड़ी पैडिंग भी चाहिए यहाँ पे ताकि वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे रहे। फिलहाल मैं यहाँ पैडिंग देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा पैडिंग कहाँ से काम कर रहा है, तो मैं नीचे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे नैब लिखता हूँ, यूएल लिखता हूँ, और नैब यूएल से पहले मैं लोगो को डिजाइन कर लेता हूँ। ठीक है, नैब डॉट हेलो लोगो, तो मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ इसका 24 पिक्सल। और फॉन्ट वेट दे देता हूँ मैं 700। और लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ मैं 2 पिक्सल। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ मैं अपर केस ताकि सारे लेटर कैपिटल हो जाएं। और कलर दे दूँगा मैं, यहाँ पे मैंने 333 कर रखा है, यानी ब्लैक नहीं है पूरा, आप देख सकते हैं कलर आ चुका है उसका। ठीक है, अब जब मैं नैब यूएल करूँगा ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे नैब यूएल क्यों करूँगा, क्योंकि इन दोनों को साइड बाय साइड लाने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग दिया था नैब में। अब जैसे यूएल के अंदर इतने सारे हैं, तो इसको साइड बाय साइड लाने के लिए हम यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लैग दे देंगे, तो ये भी आ जाएगा। क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, देख सकते हैं साइड बाय साइड आ चुका है वो। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे भी सेंटर, और अलाइन आइटम यहाँ पे भी सेंटर। ठीक है, सब कुछ सेम कर दिया हमने ताकि वो हमेशा सेंटर में ही रहे। अब मैं पैडिंग की बात कर रहा था नैब में, तो मैं यहाँ पे आपको पैडिंग देता हूँ। टॉप डाउन से हमें चाहिए 15 पिक्सल और लेफ्ट राइट से चाहिए 50 पिक्सल, आप अपने हिसाब से दीजिए। ये देखिए टॉप डाउन से 10 पिक्सल आ गया, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। ठीक है, तो अब जो हमारा नैब LI है इसको हम कर लेते हैं LI। हमें ये हटाना है और इसके बीच में गैप भी देना है, तो ये हटाते हैं पहले। क्या है ये, लिस्ट स्टाइल बुलेट्स हटाने हैं हमें इसके, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, देख सकते हैं बुलेट हट चुका है। और मैं मार्जिन करूँगा लेफ्ट 40 पिक्सल। ठीक है, जैसे मार्जिन लेफ्ट करूँगा 40 पिक्सल, तो इसमें गैप आ जाएगा 40 पिक्सल का, 40 पिक्सल का गैप आ चुका है। अब मैं करूँगा नैब ए, अब हम ए को डेकोरेट करेंगे, तो टेक्स्ट डेकोरेशन पहले रन कर देता हूँ ताकि अंडरलाइन हट जाए, तो अंडरलाइन हमारे हट चुके हैं। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ मैं कैपिटलाइज, एक मिनट, कैप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ताकि पहला लेटर जो है उसका कैपिटल हो जाए। और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा छोटा लग रहा है, आप अपने हिसाब से करना, लेकिन 40 पिक्सल सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, और कलर दे देता हूँ मैं सेम जो उसका था। ठीक है,
अब क्या करें, 16 पिक्सल करके देखते हैं कैसे लगता है। नहीं, 14 ही सही है मेरे हिसाब से। फॉन्ट वेट मैं लेता हूँ 400 या 300। नहीं, 400 ही सही है। और अब हमारी मेन चीज़ है, अब मैं पहले ए को दे देता हूँ होवर, नेव HOVER होवर। जैसे मैं इसको होवर करूँ तो उसका कलर जो हो जाए वो वाइट हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूंगा ट्रांजिशन ताकि वो स्मूथली हो, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड। ये देखिए होवर हो रहा है। यहाँ पे रैंडम 2 सेकंड कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, होवर हो रहा है, लोगो भी बन चुका है। अब हमारी बारी है ड्रॉप डाउन मेनू बनाने की। अब देखना क्या होता है, जब से आपको ड्रॉप डाउन जिसके नीचे बनाना है ना, तो मैंने बनाना है अबाउट मी के नीचे, ठीक है। तो देखिए LI है, ये मैंने LI के अंदर ए टैग ले रखा है ना, तो मैं पहले इसको यहाँ से स्पेस देता हूँ। यहाँ से आप LI के अंदर आएंगे, इस वाले LI के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ जो भी लिखना है। तो यानी ये LI यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म होगा। अब मैं जो इसके अंदर लिखूँगा वो सब इसी के नीचे आएगा और इसी के अंदर आएगा अबाउट मी के नीचे। तो अबाउट मी के अंदर अब हमारा क्या है, एक ए टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे सब LI के अंदर एक ए टैग है तो इसके अंदर भी एक नॉर्मली ए टैग है जो कि हमारे ये वाला होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा एक और यू एल टैग लेंगे हम, ठीक है। और इस यू एल टैग के अंदर जैसे मैंने ये वाला यू एल टैग लिया नेव के अंदर, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इस LI के अंदर हम एक और यू एल टैग लेंगे। आप कुछ भी टैग ले सकते हैं, आप डिव ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यू एल ले रहा हूँ। तो हम इसके अंदर भी LI लिखूँगा, ये लिखूँगा हैश टैग। अब कुछ भी लिखिए, मैंने क्या लिखा था देखता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो माई नंबर ब्लॉग्स रीच मी सब्सक्राइब, ठीक है। आ गया आपके पेज पे, माई नंबर ब्लॉग्स रीच मी सब्सक्राइब। अभी देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और ये सेव किया तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। मैंने यू एल टैग इसलिए लिखा था तो अगर मैं डिव लेता ना तो मुझे फिर से वो स्टाइलिंग करनी पड़ती इधर उधर से, तो मैंने इसलिए यू एल टैग लिया था क्योंकि हमारे यू एल में पहले से स्टाइल हुआ पड़ा है और ये सब ए वे को कुछ भी स्टाइल नहीं करना पड़ता, इसलिए मैंने यू एल टैग ले लिया और ये सब कुछ अपने आप पहले से स्टाइल में स्टाइलिश हमें मिल चुका है। तो अब एक काम ये है, और LI भी इसलिए लिया था और ए भी इसलिए लिया था ताकि वो सब कुछ हमें स्टाइलिश पहले से स्टाइल का हुआ मिले। अब देख सकते हैं एक के नीचे एक आ चुका, मतलब यहाँ पे सब रैंडम चीज़ें बिखर चुकी हैं। तो क्या करेंगे ना, जो यू LI है इसको हम एक दे देंगे क्लास, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सिंटैक्स लगेगा और अजीब लगेगा कि आप पहले नैप के अंदर का यू एल के अंदर का यू एल के अंदर आपने LI लिखा और LI में कॉलन देकर आपने LI एंथ ऑफ टाइप करके थर्ड दे दिया, उसके बाद एंथ ऑफ टाइप करके यू एल का थर्ड सेकेंड यू एल दे दिया। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे क्लास ले लीजिए, मैं इसको देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। और मैं इसको भी खिला दूंगा यू एल को भी, इस अंदर वाले यू एल को यहाँ पे खिला दूंगा ड्रॉप डाउन। इसको मैंने सिर्फ ड्रॉप डाउन दिया है और इसको मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू, आप कुछ भी रैंडम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्लासेस। तो मैं सेव करता हूँ। अब हम पहले इसको पकड़ेंगे ताकि जब हम इसको होवर करें ना, मतलब जब हम इस पे करेंगे तब कुछ होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे होवर के नीचे, तो मैं पकड़ूंगा यहाँ पे क्या, तो नैब लिखूंगा मैं, यानी जो नैब बार के अंदर हमारा ड्रॉप डाउन यानी मेन्यू है, नैब बार के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं दूंगा पोजीशन रिलेटिव। अब पोजीशन रिलेटिव क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पोजीशनिंग करनी होती है, किसकी करेंगे हम, यूएल की। जैसे मैं इसको दूंगा पोजीशन रिलेटिव और मैं यूएल को दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और यूएल की क्लास क्या है, नैब
ड्रॉप डाउन मेन्यू लिखेंगे, उसके अंदर हमारे यूएल है, तो मैं लिखूंगा ड्रॉप डाउन, उसको हटा देता हूँ, उसका नेम सेम है। जैसे मैं ये लिखूँगा, सेव करता हूँ, तो मैं पोजिशन इसको दूंगा एब्सोल्यूट। आप देख सकते हैं इसके नीचे आ चुका है, सिर्फ इसी के नीचे आया है एब्सोल्यूट ओके, और बाकी सब चीज़ें हमारी सही हो चुकी हैं। ठीक है, तो जब भी आप बनाएं एक क्लास दे दीजिए इसको, और बाकी इसको, और जिसके नीचे आपको लाना है उसको दे दीजिए क्या पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब पोजीशन रिलेटिव, जिसको लाना है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल बार आ चुका है, यानी कि ये सब ऐसे आ रहा है। ठीक है, हमें इसको सही करना पड़ेगा, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं विड्थ कर देता हूँ, विड्थ से पहले डिस्प्ले हम करेंगे यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये देखिए एक के नीचे एक आ चुका है, लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो हम बताएंगे अभी, मतलब अभी बताता हूँ। पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको दिखे, तो मैं BG कलर दे देता हूँ, RGBA 255.255.255, यानी पूरा वाइट, 0.1, यानी ये देखिए वाइट। तो यहाँ पे ये कलर आ रहा है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल कुछ और दे देता हूँ, रेड देता हूँ ताकि सही से दिखे। देखिए अब ऐसा है ना, इसको मुझे अबाउट मी के नीचे लाना है, तो एक सिंपल सा चीज़ क्या है, जब हमने इसको पोजिशनिंग एब्सोल्यूट पोजिशन एब्सोल्यूट दे रखा था, हम इसको पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम दे देंगे लेफ्ट -50%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, अभी वो उसको ढक ले रहा है, तो मैं टॉप कर दूंगा 100%। टॉप 100% करते देखिए वहाँ पे आ गया है। अब आपको चाहे तो इसके नीचे और भी गैप दे सकते हैं, अगर आपके और गैप चाहिए, आपके नेबर का साइज अगर अलग हुआ तो आपको और गैप चाहिए होगा थोड़ा, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, नेबर 120 भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हाँ, तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, ये विड्थ बहुत छोटा लग रहा है फिलहाल, तो मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 170 पिक्सल का। देखिए जैसा हो गया, अब हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग। ठीक है, तो मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग टॉप डाउन से हमें चाहिए 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से चाहिए 10 पिक्सल। ठीक है, और ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फालतू गैप आ रहा है ना, ये वाला, इसको हम हटाएंगे। तो एक गैप किसकी वजह से आ रहा है, जब क्योंकि हमने मार्जिन, आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे LI में मार्जिन लेफ्ट दिया था ना, फिर 40 पिक्सल का, तो इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें ना इस वाले LI में से नहीं, सिर्फ इस वाले LI में से मार्जिन हटाना है, तो हम लिखेंगे नैव ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, नैव के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन है, जो कि हमारे उसके अंदर जो हमारे LI हैं, उसमें क्या कर देंगे, मार्जिन कर देंगे 0। ठीक है, देखते हैं 0 हो चुका है बिल्कुल ख़त्म, और ये जो स्पेस मैंने 150, वो स्पेस आ रहा है वो 150 पिक्सल का, 70 पिक्सल का विर्थ है, उस लिए आ रहा है, तो उसको हम सही, मतलब उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें इतनी विर्थ तो चाहिए। आप फिर दे भी सकते हैं, नहीं भी, आप अपने हिसाब से पैडिंग देके भी बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर विर्थ दे दिया। अब जिसके अंदर ए है, इसको हम स्टाइल कर लेते हैं उसी का, तो लिखेंगे नैव कंट्रोल डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू डॉट ड्रॉप डाउन, इसके अंदर जो हमारा ए टैग है इसको पकड़ेंगे, और मैं इसको दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और फिट कर दूंगा मैं 100%, और बॉर्डर बॉटम दूंगा मैं 1 पिक्सल सॉलिड RGBA, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 301, मैंने सेव किया, तो आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए हल्का सा आ रखा है। तो मैं अब जो हमारा ओरिजिनल कलर था, मैं उसको ले लेता हूँ बैकग्राउंड का, तो मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए वो आ चुका है, अब क्या है कि हमें यहाँ पे भी गैप चाहिए होगा,
तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पैडिंग 12 पिक्सल चाहिए हमें, आप कितना भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए आ चुका है, और ये टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर मैं यहाँ पे विर्थ ना दूँ तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो रैंडम मतलब डिफ़ॉल्ट विथ होगी वो इतनी होगी, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बॉर्डर, वो भी काम नहीं करेगा पूरा, तो आपको इसको विर्थ देनी पड़ेगी 100%। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। अब ये होवर भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, हम इसको बॉक्स शेडो भी देना है तो आप वो दे सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आ रहा है एक वाइट लाइन जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे चलिए जिसके नीचे नहीं चाहिए, मैं इसको खिला देता हूँ सब्सक्राइब नाम से। तो और अब मैं यहाँ आऊँगा नैव डॉट, एक मिनट क्या लिख रहा हूँ, डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर जो हमारा सब्सक्राइब नाम का क्लास है उसमें मैं बॉर्डर बॉटम कर दूंगा नन, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बॉर्डर बॉटम हट चुका है। अब जो हमारा ये था ना, इसको मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ ड्रॉप डाउन में, बॉक्स शेडो, तो मैं 0 पिक्सल 0 पिक्सल यानी टॉप डाउन से 0, लेफ्ट राइट से 0, 5 पिक्सल का हमें चाहिए शेडो, और आर जी बी ए चाहिए 0.0.0.0.5। देखे देखते हैं पहले, बहुत बुरा लग रहा है तो बंद दे देता हूँ मैं, अब सही है, ठीक है। देखिए हो चुका है। आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए, जैसे ही मैं इसको ओवर करूँ कि आना चाहिए, तो ये ड्रॉप डाउन है ना, हमें इसको हटाना है, तो मैं यहाँ चलता हूँ, तो मैं विजिबिलिटी कर दूंगा हिडन सेव। देखिए हो गया हिडन, ठीक है। अब चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं आएगा। अब मुझे वापस भी चाहिए वो, तो नैव लिखूंगा मैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू लिखूंगा। अब जब मैं, अब ड्रॉप डाउन मेन्यू याद रखना, इसकी इसका नाम है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, इस वाली क्लास का नाम, और उसका है जो बाकी जो अंदर आ रहा था उसका नाम है ड्रॉप डाउन। ये हमारा ड्रॉप डाउन है जो गायब किया है, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसके ऊपर होवर करेंगे। तो मैं जब ड्रॉप डाउन मेन्यू पे होवर करूँगा, तब जो हमारा ड्रॉप डाउन है यानी कि जो ड्रॉप डाउन क्लास है, जब मैं मेन्यू पे होवर करूँगा तब जो ड्रॉप डाउन है उसकी विजिबिलिटी हम कर देंगे विजिबल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आ चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ ये आ तो जा रहा है, लेकिन जाते वक्त ये थोड़ा सा स्टे रह रहा है, मतलब पॉज हो जा रहा है, वो ऐसा है कि ट्रांजिशन की वजह से हो रहा था। तो मैं यहाँ पे एक और काम करेंगे, हमें ट्रांजिशन तो चाहिए ही चाहिए, हम यहाँ पे काम करेंगे, हम ओपेसिटी भी इसको कर देंगे 0, ठीक है। अब और यहाँ पे आप ओपेसिटी 1 मत करना भूलना, वरना वो काम ही नहीं आएगा, नहीं फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब देखना आ गया, ये काम कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी काम कर रहा है, इसे मैं हटाऊँगा एक बात, ठीक है। तो मैं दिखा दूँ कि ये मेरी, ये ड्रॉप डाउन एचटीएमएल देख सकते हैं, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, या अभी ये देखिए बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। ये मेरी सॉफ्ट यूआई है, आप देख सकते हैं सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मैं शायद ये सेम नहीं लिखा, माई ब्लॉग लिखना था, मैंने सिर्फ ब्लॉग लिखा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बनाना, आप इस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू देखने के लिए।